नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सांसद कार्यालय की तैयारियां पूरी, आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे उद्घाटन। बनारस के रविंद्रपुरी इलाके में बना सांसद कार्यालय, 4,500 स्क्वायर फीट में बने मकान को कार्यालय में किया गया तब्दील। मोदी के सांसद कार्यालय में कुल 5 कमरे, कार्यालय में स्टाफ रूम, गेस्ट रूम और किचन भी मोदी के कार्यक्रमों की तस्वीरों से की गई सजावट। इसी की ठंडक वाले इस कार्यालय में कंप्यूटर, इंटरनेट और फोन सुविधा, कार्यालय प्रभारी सुनेंगे जनता की समस्याएं। अमित शाह के स्वागत के लिए बनाए गए सैकड़ों द्वार, आज जनता को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण का ऐलान, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब किसी कार्यक्रम में नहीं करूंगा शिरकत, 21 अगस्त को है मोदी का महाराष्ट्र दौरा। पृथ्वीराज चव्हाण का आरोप, मोदी को ध्यान नहीं रहती पीएम पद की मर्यादा, सरकारी कार्यक्रमों को देते हैं सियासी रंग। चव्हाण ने हरियाणा में पीएम के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हुड्डा की वोटिंग का दिया हवाला, कहा खुद भी रहा हूं भुक्तभोगी। कलकत्ता में हाईवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान सीएम हुड्डा की हुई थी वोटिंग, नाराज हुड्डा बोले आगे से पीएम के किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर ये इनका ही रवैया ऐसा ही रहा तो आगे कोई भी प्रोजेक्ट अगर शिलान्यास के लिए आएंगे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, कहा प्रोटोकॉल के तहत पीएम का करे स्वागत लेकिन साझा ना करें मंच। दिल्ली में सरकार की मांग को लेकर आरडब्ल्यूए फेडरेशन का अनूठा प्रदर्शन, एलजी नजीब जंग के घर दूध और सब्जियां लेकर पहुंचे। आरडब्ल्यूए ने उपराज्यपाल से मांगा था मिलने का वक्त, समय ना दिए जाने पर किया प्रदर्शन। आरडब्ल्यूए की दलील, दिल्ली में सरकार नहीं होने से बढ़ रही है समस्याएं, जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे अधिकारी। गुड़गांव में सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन के एसएचओ संदीप मोर को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार, 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली और मुरली देवड़ा के खिलाफ एसीबी को अब जांच का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने केजरीवाल सरकार का फैसला पलटा। केजरीवाल सरकार ने मुकेश अंबानी समेत 7 लोगों के खिलाफ दर्ज किया था केस, एसीबी को सौंपा था जांच का जिम्मा। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा केंद्र सरकार के 3 जुलाई के नोटिफिकेशन के बाद अब एंटी करप्शन ब्रांच को गैस कीमत तय करने के मामले में जांच का अधिकार नहीं। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा केंद्र के इशारे पर कुछ आरोपियों को बचाने की हो रही है कोशिश। आप नेता दिलीप पांडे का आरोप, मौजूदा कदम से एसीबी को कमजोर करने की कोशिश। दिन पर बनी एसआईटी आज सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकती है एटीआर रिपोर्ट, 2 महीने तक एसआईटी ने की है जांच। आज पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी की 70वीं जयंती, कांग्रेस की ओर से संकल्प दिवस का आयोजन। कांग्रेस के संकल्प दिवस में सोनिया राहुल के भी मौजूद रहने की उम्मीद, दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में होगा कार्यक्रम।
कांग्रेस के संकल्प दिवस में शामिल होंगी 8000 से ज्यादा महिला नेता और कार्यकर्ता। कांग्रेस की रणनीति, मोदी सरकार पर महिला आरक्षण का दबाव बनाने की कोशिश। संघ प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में एनआईए का खुलासा, रिपोर्ट में व्यक्ति दुश्मनी के चलते हत्या की बात। एनआईए ने देशद्रोह और भगवा आतंकवाद जैसे यूपीए सरकार के आरोप किए खारिज, साध्वी प्रज्ञा समेत 8 लोगों को बनाया आरोपी। जोशी के साल 2007 में देवास में की गई थी हत्या, एमपी सरकार ने 1.5 साल बाद बंद कर दिया था केस, यूपीए सरकार ने बाद में एनआईए को सौंपी थी जांच। अहमदाबाद में एक प्रोफेसर ने पेश की नजीर, घर के लिए महज सोलर और पवन बिजली से रोज के लिए किया 8 यूनिट बिजली का उत्पादन। साइंस एंड कम्युनिकेशन के प्रोफेसर अनिल पटेल के घर में है हर आधुनिक सुविधा, सोलर एनर्जी पर टिका है लाइट, पंखा, टीवी, फ्रिज और एसी तक का बंदोबस्त। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का विवादित बयान, कहा रजामंदी से औरत और मर्द के बीच रिश्ता पूरी तरह जायज। जोर जबरदस्ती और बलात्कार ये गुनाह है और रजामंदी से औरत और मर्द के बीच जो रिश्ता है वो पूरी तरह जायज है और मैं कहता हूं उसके बेटे का रिश्ता जायज है। हाजीपुर में चुनावी सभा में शरद ने बिहार के सीएम जीतन मांझी के बेटे का किया बचाव, कहा मुख्यमंत्री के बेटे ने कुछ गलत नहीं किया। मुजफ्फरनगर में एक महिला की बेरहमी से पिटाई, बंद पड़े स्कूल में सेक्स रैकेट का आरोप। यूपी के फैजाबाद में छात्रा से अपहरण, गैंगरेप और हत्या के केस में नहीं थम रहा लोगों का गुस्सा, लोगों ने कई दुकानें जलाई। डीएम के प्रेम संबंध की ओर किया था इशारा, जांच की दिशा से भड़के लोग। गाजियाबाद के लोनी में बदमाशों ने 4 कारोबारियों पर किया जानलेवा हमला, 3 कारोबारी घायल। दिल्ली के कुतुब विहार में आरटीआई कार्यकर्ता पर गोलीबारी, बाइक सवार बदमाश ने मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।